Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Aryan Study Success Point. तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल Aryan Study Success Point पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर लिए थे, जो है हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़े थे और रेसिप्रोकल्स क्या होता है उसके बेस पे क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, वो किए थे। आज जो हम बच्चों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए पढ़ेंगे। आज जो है बच्चों, आज हमारा जो है थर्ड डे है क्लास का, तीसरा दिन है, आपको पता होगा, ठीक है, थर्ड डे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि क्या आपको पढ़ना है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें करना है। ओके बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या था, आप लोग थोड़ा याद करिए कि जैसे बचपन में आप लोग जो प्रीवियस क्लास में माइनस थ्री हो गया, फोर को आप लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे नंबर लाइन पे। पहले तो ये जीरो था, हम इधर से लेते थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ये हो गया बच्चों। इधर से हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन और माइनस एट, ये था बच्चों। तो हम लोग को याद है, आप लोग को देखो याद होगा कि हम लोग बचपन में तो यहाँ से इधर माइनस थ्री, हमारा ये वैल्यू माइनस थ्री हो गया और ये फोर, तो ये तो था कि आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर लेते थे नंबर लाइन पे। बट जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो नंबर जो रेशनल नंबर को कैसे, रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर मतलब हो गया बच्चों की 4/5 भी हो सकता है, यहाँ से जैसे -3/2 हो सकता है, इस तरह से बच्चों 6/8 हो सकता है, 9/4 हो सकता है, इस तरह से हम अलग अलग नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखो, सबसे पहले हम क्या है कि कोई एक इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे 4/5 को हम कैसे करेंगे। पहले तो हमें यह चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप लोग जल्दी बताना स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर क्या है, छोटा डिनोमिनेटर से, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा देन हम कैसे करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग किस तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो यहाँ तो हम जीरो लिए, अब प्लस में है देखो, तो जितने भी डेनोमिनेटर में लाइन होगा ना, जितने भी डेनोमिनेटर में नंबर होगा उतने लाइन्स खींचेंगे। डेनोमिनेटर में कितना है बच्चों, फाइव है, फाइव है, तो हम इस तरह से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव। ओके बच्चों, अब यहां से हम इसे लिखेंगे 0/5, 4/5 क्या यहां से हो जाएगा बच्चों, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। ओके बच्चों, तो हमारा 4/5 जो है ये वाला पार्ट हमारा हो गया। आ रहा स्टूडेंट्स, तो जब हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। 6/8 को भी देखो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा ये जो पार्ट हो गया बच्चों, ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, 4/5 को। ओके, इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो है हम लोग देखो, अब मान लो 6/8 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 6/8 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही पहले हम कितना है, ये प्रॉपर है 8 है, तो हम 8 लाइन नीचे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 5 उसके बाद बच्चों 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे थे। अब हमें 6/8, तो 6/8 जो है वैल्यू, ये जो क्वेश्चन हो गया बच्चों वो क्या हो गया, 6/8 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे कि 6/8 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात हम कर रहे हैं कि इम्प्रोपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन्स। इम्प्रोपर फ्रैक्शन जैसे 3/2, यहाँ पे देखो अभी हम माइनस के लिए थोड़ी देर के लिए बाद में बात करेंगे, हम पहले हम मान लेते हैं कि 3/2 है, तो ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रोपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एट फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसे, एंड आफ्टर देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 3/2 है
इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू होल, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो वन होल वन अपॉन टू, देखो टू वन जा टू और टू प्लस वन थ्री अपॉन टू, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपॉन टू, वन प्लस वन अपॉन टू। तो पहले तो हम देखो अब इस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स, जीरो, फिर हमारा ये वन हो गया। अब इसके बाद जैसे वन है तो पहले हम वन लिए, इसके बाद देखो क्या बच्चों, इधर वन अपॉन टू, तो टू लाइन्स खींचेंगे, देखो इसे जे मान लो यहाँ पे आप टू ले लिए, वन के बाद टू, और इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, देखो वन अपॉन टू, इसे हम दो पार्ट्स में, वन और टू यहाँ पे, तो इसे हम लिखेंगे वन अपॉन टू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, टू अपॉन टू, जो कि हमारा फिर से वन हो जाएगा, तो वन और वन ये टू पे रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा हो गया, ये जो पार्ट्स हो गया, ये वन अपॉन टू आ गया। इसे और हम अदर मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, और जैसे आप सिंपल पहले जैसे कर रहे थे कि जितना भी है उतने कितने पार्ट से बच्चों, थ्री अपॉन टू, तो इस तरह से आप लोग इसे करते जाओगे, यहाँ पे लिखोगे जीरो, यहाँ पे लिखोगे वन अपॉन टू, यहाँ पे लिखोगे टू अपॉन टू, देखो टू अपॉन टू, और ये हमारा आ गया थ्री अपॉन टू, इधर फोर अपॉन टू, और ये हमारा जो पार्ट्स हो गया थ्री अपॉन टू हो गया। तो ये तो छोटा नंबर था, तो आप यहाँ से कर लोगे, अगर जो यही आता, यहाँ यही आता कि मान लो नाइनटीन अपॉन फोर, तो यहाँ पे आप नाइनटीन अपॉन फोर सीधा लाइन नहीं खींचोगे, आप नाइनटीन अपॉन फोर को अगर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ जाए, इमेजिन कि 19 अपॉन 4 को आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो कि किस तरह कैसे करोगे, तो देन हम यहाँ पे 19 अपॉन 4 लाइन नहीं खींचेंगे सीधा, हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस 19 अपॉन 4, 19 अपॉन 4 को हम लोग इम्प्रॉपर में मिक्स फ्रैक्शंस में करेंगे, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और क्या जाएगा बच्चों, देखो 4 होल 3 अपॉन 4, यानी कि 4 4 जा 16, 19 अपॉन 4, दैट मींस क्या जाएगा बच्चों, 4 प्लस 3 अपॉन 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, 4 प्लस 3 अपॉन 4। तो यहाँ से हम लोग क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम जीरो लिए, यहाँ पे पहले जीरो लेंगे, 1 2 3 4, जैसे पहले ये लाइन है वो करेंगे, फिर यहाँ से कम आगे बढ़ के यहाँ पे 5 लिए, अब इसे मैं देखो नीचे 4 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3, और ये 4 आ जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 2 अपॉन 4 3 अपॉन 4, और ये क्या जाएगा बच्चों, 4 अपॉन 4, जिसे हम काटे 1, तो 4 प्लस 1 5 आ गया। अब हमें कितने 4 प्लस 3 अपॉन 4, तो 4 प्लस, देखो 4 ये हो गया और 3 अपॉन 4, तो ये जो हमारा यहाँ से ये पार्ट्स हो गया बच्चों, ये जो है 3 अपॉन 4 को रिप्रेजेंट करेगा, इस ये जो है 4 प्लस 3 अपॉन 4 को रिप्रेजेंट करेगा, डैट मीन्स 19 अपॉन 4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि देखो आप लोग को नंबर लाइन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब जो हम थोड़ा रेशनल नंबर्स के बारे में, ग्रेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे और स्मॉलर रेशनल नंबर्स क्या होगा, ग्रेटर रेशनल नंबर्स क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखो साथ साथ नोट करते जाना, पहले बता रहे ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, आप कर देने, हम इसी के बेस पे जो है क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, हम इस तरह से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे दिया कि राइट एनी थ्री रेशनल, यहां से दे दिया राइट फाइव रेशनल नंबर, फाइव रेशनल नंबर, राइट फाइव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन माइनस टू। अब माइनस टू से बड़ा आपको 5 रेशनल नंबर लिखना जो माइनस टू से बड़ा हो। अब देखो माइनस टू के बड़ा क्या होगा, एक चीज और देखो बता बच्चों, मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो माइनस में होगा तो इससे बड़ा क्या होगा, माइनस थ्री नहीं होगा ठीक है, माइनस थ्री जितना माइनस में जाते जाएंगे उतना छोटे हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा, देखो माइनस 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है ठीक है बच्चों, 0.5 होगा इस तरह से, बट हमें रेशनल नंबर के टर्म में लिखना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो 1.5 को हम देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1.5 को लिख यहाँ से काटा हटा दिया, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 2, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस टू से बड़ा क्या जाएगा, माइनस 3 अपॉन 2 होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस यहाँ से देखो यहाँ पे भी हम इसे करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं -1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, -1 अपॉन 2, आफ्टर देन हम इसे हम लिख सकते हैं 0.5 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है देखो यहाँ से 1 अपॉन 2 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2, फ्रैक्शन में तो जो भी होगा इससे बड़ा ही होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 ठीक है बच्चों। तो ये सारे हमारे रेशनल नंबर जो होगा, और हम जरूरी नहीं कि ये आंसर होगा, इस तरह से और भी हो सकता है, आप लोग 5 अपॉन 6 भी लिख सकते हो, 3 अपॉन 4 भी लिख सकते हो, एज यू विश।
तो ये हमारा जो रेशनल नंबर आएगा इससे बड़ा था। अब ये आ जाता किससे ग्रेटर लिखना, आपको ग्रेटर लिखना है तो आपको ग्रेटर यानी कि देखो स्मॉलर इससे लिखना, तो सारा नंबर हम माइनस में रखते हैं। अब इससे छोटा जिसे यहाँ पे आ जाता कि माइनस टू से स्मॉलर लिखना था, क्या स्मॉलर, स्मॉलर मीन क्या होगा इससे छोटा, तो इससे छोटा क्या होगा बच्चों माइनस टू से छोटा होगा माइनस टू पॉइंट फाइव थ्री हो गया, ठीक है बच्चों, सॉरी 2.75 हो गया माइनस, उसके बाद 3 हो गया, तब इसे सबको फ्रैक्शंस में इस तरह से लिख सकते हैं। 2.5 को क्या लिख सकते हैं माइनस 5/2, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 6/4, अलग अलग हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि माइनस 6/4 क्या होगा, ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 100 जाएगा, उससे कटेगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर्स लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग किसी भी दो रेशनल नंबर से हम बड़ा रेशनल नंबर और छोटा रेशनल नंबर हम लोग क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये है, इसी में एक्सरसाइज के बेस पे आप जो करना पड़ेगा, आप जो करोगे बच्चों, कि कोई भी अब दो रेशनल नंबर्स के बीच में पांच रेशनल नंबर आपको निकालना है, दस रेशनल नंबर निकालना, कोई भी नंबर्स लिखना। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन क्वेश्चन हम एक ले रहे हैं, देखो बच्चों फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, ध्यान से समझना बिल्कुल, देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आपका एग्जाम में आता, किसी टाइप का गवर्नमेंट स्कूल के हो या कोई भी स्कूल का एग्जाम हो, चाहे हर एक स्टाफ का क्वेश्चन आता, तो आप लोग जो बिल्कुल ध्यान से समझना, तो फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/4, ठीक है बच्चों, यानी कि 3/4 और 5/4 के बीच में पांच रेशनल नंबर लिखना। एक तो पहले हम देखेंगे बच्चों कि ये डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, अगर जो सेम है तब तो ठीक है, देखो हम दोनों टाइप्स का क्वेश्चंस कराएंगे, एक तो सेम होगा देन क्या करेंगे, बिना नहीं सेम होगा तो क्या करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो स्टूडेंट्स, तो जितने भी रेशनल नंबर निकालना है आपको, फाइव निकालना है तो एट फर्स्ट उसे सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कब जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो 3/4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में, तो 6 3 18/24, और 5/4 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहां से क्या जाएगा 30/24। अब देखो इसके बीच में बहुत सारा रेशनल नंबर आ रहा है, देखो 18/24 के बाद 18/24 के बाद आएगा 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24, हमें देखो 1 2 3 4 5 ही निकालना था, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे आएगा, तो हम ये सोवन अब ये आप 24 25 लिख सकते हैं, बट पांच लिखना था हम तो यही पांच लिखे, आप हो सकता है 19 20 के जहाँ पे 26 25 भी लिखेंगे, इस तरह से 13/24 तक में, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमेशा इसी के बीच में आएगा, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होता, 10 निकालना होता, पहले हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते, आफ्टर देन इसे हम करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो हम ये जो बता रहे हैं ना, 5 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर, ये जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम ही आएगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। अब हम क्योंकि देखो सिंपल एक बात हम बोले कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, अगर जो हम देखे तो ऐसा तो कुछ नहीं, बट इसके बीच में इनफिनाइट नंबर, इन्फिनिटिव नंबर है, 1.01, 1.001, 1.002, 1.50, 1.5055, जितने भी आप डेसिमल्स में ले सकते हो, बहुत सारे नंबर्स है, तो इस तरह से हम किसी भी, जरूरी नहीं कि हमारा 1 और 2 के बीच में फिक्स ही नंबर हो, हाँ आ जाता किसके बीच का नंबर निकालना है, इसके तीन ही इसके बीच का तीन नंबर निकालना है, तो हम उस तरह से फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बट ओनली नंबर्स पूछ दिया तो इनफिनिट कुछ भी नंबर्स हो सकता है। ओके, अब हम देखो हम बता रहे थे किसी के बीच में, एक तो ये क्वेश्चन था कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा, एक होगा बच्चों जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो आप किस तरह से करोगे उसे क्वेश्चंस जो है आप लोग किस तरह से करोगे, कि फाइव रेशनल, जैसे हम यहाँ पे लिखे कि 3/6 एंड 5/4 के बीच में पांच रेशनल नंबर लिखो, 10 रेशनल नंबर लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करोगे कि 3/6 5/4 के बीच में पांच या छह रेशनल नंबर लिखना है, तो एट फर्स्ट इसे क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों, पहले तो हम देखो क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहां से पहले डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 12, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 और 4 का एलसीएम 12 आया, 6 2 12 तो 3 2 6, और यहाँ पे 4 3 12 तो 15, तो यहाँ से हम अलग अलग लिखेंगे 6/12 एंड 15/12। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में, अब इसके बीच में हमें पांच रेशनल नंबर लिखना है, तब हम यहाँ से आपको पहले वाला स्टेप आप फॉलो करोगे, क्या पहले वाला स्टेप फॉलो करोगे कि यहाँ पे 12, पहले तो देखो हम बताते हैं डिनोमिनेटर सेम होता है तो जितना भी नंबर निकालना उसे अगले नंबर से मल्टीप्लाई, पहले एट फर्स्ट करेंगे, 5 निकालना है तो हम इसे
12 से मल्टीप्लाई कर, 5 ने 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों को, ठीक है बच्चों, दोनों को हम लोग क्या करेंगे 6 से, ऐसे देखो बच्चों यहां पे तो आप नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिंपल डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि देखो 6 और 15 के बीच में 5 रेशनल नंबर ऐसे भी आ रहा है, अगर जो बाय द वे नहीं आएगा तो आप उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे हमें देखें कि 6/12 के बाद 7/12, 13/12, 14/, ठीक है बच्चों, 8/12 सॉरी 9/12, 10/12, 11/12, 13/12, देखो इस तरह से 5 6 कितने बहुत सारे 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हम लिख दिए, 13 14 ये भी आ रहा था, तो हम लोग इस तरह से करेंगे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग को देखो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किस टाइप्स का क्वेश्चंस करना था, हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इस तरह से करेंगे कि अब किसी बिटवीन उसके बीच का नंबर पूछ रहा है। देखो ये दो जो क्वेश्चंस अब इसके बाद जो कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से करना, आप जो है ना बच्चों इसे ध्यान से करना कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। हम अब बोल दिए कि फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन, बिटवीन 3/4, 3/5 एंड 4/5। पहले तो हम ये ले लिए कि डेनोमिनेटर सेम होगा तो आप लोग कैसे करोगे, अदरवाइज देखो कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है तो हम डेनोमिनेटर सेम नहीं लेकर सीधा ऐसे करते हैं 4/6। अब देखो बिटवीन इसका बीच का नंबर पूछ रहा है, तो बीच का नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आज फॉर तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि पहले 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर आप बताओ, 1 और 2 के बीच का नंबर क्या होगा, 1 और 2 के बीच का नंबर क्या होगा, जैसे देखो यहां पे 1 है, आप नंबर लाइन पे देख सकते हो इधर 1 है इधर 2 है, तो इसका बीच का ये होगा यानी कि हाफ, तो 1.5। ये कैसे आया 1.5 स्टूडेंट्स, देखो ये समझ जाओगे ना तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे, 2+1 हमेशा कोई भी एवरेज, बीच का नंबर मतलब एवरेज होता है, तो दोनों को ऐड कर दो उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो 2+1 क्या जाएगा बच्चों 3/2 यानी कि 1.5, क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1.5 हो जाएगा, तो हमारा ये 1.5 आ गया। तो हम इसी तरह से निकालेंगे, इसी तरह से हम लोग सेम क्वेश्चंस करेंगे, इसी कोई भी दो नंबर के बीच का नंबर अगर जो आपको पूछ रहा है ना, तो पहले उसे आपको कोई भी दो का बीच का नंबर पूछ रहा है, जैसे ए और बी, हम एक फॉर्मूला लिख दिए कि ए, फाइंड द नंबर बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का नंबर निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि ए 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी वही करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 3+5+4/6, ये दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 और 6 का एलसीएम जो है बच्चों क्या आ जाएगा 30, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 जा 30 तो 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 तो 4 5 जा 20, यानी कि 1/2 इंटू 18 और 20 को ऐड करो बच्चों, 18 और 20 को ऐड करेंगे हम लोग क्या जाएगा 18 और 20 को जल्दी ऐड करके बताओ 38/30। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये कट रहा है 19 से, तो यानी कि क्या जाएगा बच्चों 19/30, तो इसके बीच का अगर जो रेशनल नंबर आपको पूछ रहा हो ना तो 19/30 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस ये आ गया, एक तो ये अलग था क्योंकि बाकी अगर जो हम आपको बता रहे थे तो आप तो सीधा 4 निकालना तो पहले डिनोमिनेटर सेम करके 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, बट ये और एक 3 रेशनल नंबर अगर जो निकालना है तो ये दोनों में हम वो मेथड का यूज नहीं करेंगे, एक तो ये था बच्चों, और एक जो हम क्वेश्चंस देखो ले रहे हैं आपके लिए कि जो फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन, 3 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 3 रेशनल नंबर जो है इसके बीच का हमें निकालना है, देन कैसे निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे लिख दिए कि फाइंड द थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, यानी कि 1/4 और 1/2 के बीच में वो 3 रेशनल नंबर निकालना है 3। अब देखो बच्चों 3 रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम वही 1 और 2 का बात करें, ये दोनों को ऐड करेंगे जो 2 से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ये नंबर आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे ये नंबर आ जाएगा, तो 1, 2, 3 रेशनल नंबर आ गया, तो 3 और 1 के लिए ना थोड़ा हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या बता, सबसे पहले तो आपको बीच का रेशनल नंबर निकाल लो, सबसे पहले फर्स्ट एक रेशनल नंबर निकालोगे तो 3 रेशनल नंबर निकालना था, तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम मान लो निकाल लेते हैं, एक जो बिटवीन रेशनल है उसके बीच का आएगा बिटवीन रेशनल नंबर 1/4 एंड 1/2, तो उसके लिए क्या बताते हैं बच्चों 1/2 ब्रैकेट में 1+4+1/2,
ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4। ओके बच्चों, तो 3 अपॉन 8 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 अपॉन 8 आ गया एक। अब हम क्या बताए थे, अब हम ये बताए थे देखो इस तरह से हम नंबर लाइन पे यहाँ पे लिख रहे हैं, ये 1 अपॉन 2 है और ये जो था बच्चों 3 अपॉन 8 है। तो ये जो नंबर पहले सॉरी 1 अपॉन 4 था इधर और इधर क्या था बच्चों 1 अपॉन 2, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो बच्चों आ गया हमारे पास 3 अपॉन 8। अब ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा ये। तो अब हम सेकेंड डेसिमल नंबर जो निकालेंगे, अब इसके दो यहां से करेंगे फिर से बच्चों कि 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 और एक और अदर नंबर निकालेंगे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 3 अपॉन 8 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 8 लेंगे, ठीक है बच्चों 3 अपॉन 8 और एक बार फिर 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है बच्चों। एक यहां से निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ये दोनों को ऐड करके यानी कि ये दोनों को ऐड करके 1 अपॉन 4 और 3 अपॉन 8 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे ये नंबर आएगा, 3 अपॉन 8 और 1 अपॉन 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे ये नंबर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 इंटू 4 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 8 4 2 8 प्लस 2 प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग जो करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 8 और 2 का एलसीएम 8 यानी कि 3 प्लस 2 4 जाए 8 यानी कि 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, हम दोनों आप चाहो तो अलग अलग करोगे, हम यहां पे कर रहे हैं। पहले देखो 2 और 3 5 यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 8, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों यहां से हो जाएगा 5 अपॉन 16 यानी कि इसके बीच का जो रेशन नंबर ये आ गया 5 अपॉन 16। यहां से हम ऐड किए तो 4 और 3 क्या आ जाएगा बच्चों 7 यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 8, तो 8 2 16 यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 7 अपॉन 16। तो हम तीन रेशनल नंबर जो है ना बच्चों इस तरह से निकालेंगे और 2 रेशनल नंबर। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप का क्वेश्चन कि कैसे तक करना था। बाकी जो है हम होमवर्क के लिए क्वेश्चंस जो है बच्चों आपको देंगे, ठीक है। आपको हम जो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए जो ऑफलाइन से बच्चे हमसे पढ़ते थे उन्हें हमारे जो भी है उन पे भेज देंगे आपको, ठीक है बच्चों। बाकी जो कुछ बच्चे हैं वो ये क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सबको हम होमवर्क में आपको जो है लिंक प्रोवाइड में कर देंगे, आप लोग वहां से करोगे। सो आई होप कि आपको जो है ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से क्या करना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।